عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. स्टेज पर बैठे मुअज्जज उलमाए किराम, दीगर हाजरीन और पर्दा नशीन खवातीन, इस्लामी माँ और बहनों, इस इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में चंद मिनट आपके सामने गुफ्तगू करने की इजाजत दी गई है और उसी मुनासिबत से मैंने आपके सामने सही बुखारी की एक रिवायत पढ़ी है। उसी रिवायत की वजाहत करके मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। जो रिवायत मैंने पढ़ी है उस हदीस के रावी हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अबू हुरैरा ये कुन्नियत है और अब्दुर्रहमान बिन सख्र इनका नाम था। सन 7 हिजरी में ईमान लाए और बमुश्किल 3-3.5 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में रहे। उसके बावजूद तमाम सहाबे किराम में सबसे ज्यादा हदीसें नकल करने वाले रावी बन गए। उसकी वजह और उसका सबब उन्होंने खुद सही बुखारी की रिवायत के अंदर जिक्र किया है। पहली वजह तो यह बयान की है कि हमारे जो अंसार सहाबा थे या इसी तरीके से जो महाजरीन साथी थे, ये अपने कामकाज में मशगूल रहा करते थे और मैं भूखे प्यासे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा लगा रहा करता था और आप जो बात कहते थे उसको मैं सुनता था, उसको याद कर लिया करता था और उसको महफूज कर लिया करता था। एक वजह तो यह जिक्र की है और दूसरी वजह यह जिक्र की है उन्होंने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कौन है जो अपनी चादर को फैलाए और मैं उसके लिए दुआ कर दूं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने जल्दी से अपनी चादर को फैलाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी और उसके बाद में कहा इसको समेट लो। उसके बाद से जितनी भी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं वो सारी चीजें मेरे जहन के अंदर पेवस्त हो गई, बैठ गई और मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ की पेशे नजर और इस दुआ के बदले में कोई चीज भूलना नहीं चाहा, सारी चीजें मुझको याद रही।
इस बुनियाद पर ये सबसे ज्यादा हदीस रवायत करने वाले रावी बन गए। वो बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप सहाबी इकराम को तरगीब भी करते थे, तरहीब भी करते थे, बशारत भी देते थे और उसके बाद में फिर कुछ चीजों से डराया भी करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, कयामत की निशानियों का तज़किरा किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कयामत नहीं कायम होगी यहां तक कि इल्म को कब्ज कर लिया जाए, इल्म को उठा लिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशीन गोई आज हमारी अपनी आंखों के सामने है। और दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कहा कि ये इल्म का उठाया जाना ऐसा नहीं है कि इल्म को ऐसे खत्म कर दिया जाएगा, बल्कि इसके जो हामिलीन हैं और इल्म के जो मुतलाशीन हैं और उसको तलाश करने वाले हैं, ये उलमा को उठा लिया जाएगा और उलमा के उठाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये इल्म खत्म हो जाएगा। आप देखिए कि आए दिन जितने भी बड़े बड़े उलमा हैं, दानिश्वरान हैं हमारे, वो आहिस्ता आहिस्ता मौत के आगोश में आते हुए चले जा रहे हैं। खास तौर से लॉकडाउन के अय्याम में पूरी दुनिया के अंदर इतने बड़े बड़े उलमा और फुकहा और खास तौर से हमारी जमात के अपने अफराद इतने यानी मौत के आगोश में चले गए, मौत ने उनको आदबोचा कि आप उसका कोई अंदाजा नहीं कर सकते। हमने दीन को कितना खोया है, इल्म को कितना खोया है हम उसका, और आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े उलमा हमारे चले गए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशींगोई के मुताबिक के इल्म को उठा लिया जाएगा, यानी उलमा का उठा लिया जाएगा, और उलमा को उठाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इल्म खत्म हो जाएगा। आज हम देख रहे हैं ना कि दुनिया तरक्की कर रही है, इल्म आगे बढ़ रहा है। नहीं, इल्म आगे नहीं बढ़ रहा है, जो शरई इल्म है और जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ताकीद की है कि इसको हासिल किया जाए, वो चीज़ कम होती जा रही है। हम सोचते हैं कि हर जगह स्कूल खुलते जा रहे हैं, मदरसे खुलते जा रहे हैं, मस्जिदें बनती जा रही हैं, इल्म बढ़ता जा रहा है। नहीं, इल्म कम होता हुआ जा रहा है। क्यों? इसलिए कि जो शरई इल्म है और इस्लाम की चाहत का जो इल्म है, उस इल्म की जानिब हम कोई तवज्जो नहीं दे रहे, जिसकी बुनियाद पर उसके चाहने वाले और उसको हासिल करने वाले बहुत कम होते चले जा रहे हैं। दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कहा कि जलजलों की कसरत हो जाएगी। जब जलजले ज्यादा आने लगे तो आप ये समझिए कि कयामत बिल्कुल करीब है। अभी आपने देखा 6 फरवरी को तुर्की और शाम के अंदर इतना भयानक जलजला आया कि हम और आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते हैं। शाम को जो अफराद सोए हुए थे उनको कोई खबर नहीं थी कि हम सुबह उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे, हमारा कोई चेहरा देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, हम हमारी आवाज कोई सुन पाएगा या नहीं सुन पाएगा, किसी को कोई खबर नहीं थी। 4:30 बजे सोने की हालत में 7 आसारिया 8 पॉइंट के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से जमीन हिली और उसके बाद में फिर कितने लोग मौत की आगोश के अंदर चले गए। आज की रिपोर्ट के मुताबिक 25,000 से ज्यादा अफराद मौत के लुकमे के अंदर चले, मौत का लुकमा बन गए हैं, और 70,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं, 1,00,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। और अभी ये सिलसिला जारी है, पूरी दुनिया की सारी टीमें राहत और बचाव कार्य के अंदर लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने काम को अच्छे तरीके से मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं। इतना ज्यादा यानी मकानात ढह गए और उसके बाद में फिर किसी को कोई ये एतबार नहीं था या तसव्वुर नहीं था कि हम सोएंगे और उसके बाद में सुबह हम उठ नहीं पाएंगे। और आप देखें कि तुर्की के अंदर आने वाला जलजला ये बड़े जलजलों में से एक है। दोस्तों, जलजला क्यों आता है, उसकी भी वजाहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया कि जिस समाज के अंदर, जिस मुआशरे के अंदर जब बुराइयां बढ़ जाती हैं, जिनाकारी आम हो जाती है, सूदखोरी आम हो जाती है, तो ऐसी कौम पर और ऐसी बस्ती पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब नाजिल होता है। और उसके बाद में फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बात कहा, कहीं ये तकारबुज जमान, जमाने करीब हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल के पेशीन गोई भी हमारे सामने है। आप देखिए, दिन घंटों के मानिंद मालूम हो रहे हैं, घंटे दिन के मानिंद मालूम हो रहे हैं,
दिन हफ्तों के मानिंद मालूम हो रहे हैं, हफ्ते महीनों के मानिंद मालूम हो रहे हैं, ऐसे खत्म होते हुए चले जा रहे हैं कि हम और आप अंदाजा नहीं कर पाते हैं। शाम को सोचते हैं कि ये काम करेंगे और उसके बाद में फिर हमारा काम पूरा नहीं होता है कि पूरा दिन खत्म हो जाता है, जमाने करीब हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पेशीन गोई की थी। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वतज़हर अल-फितन, फितने जाहिर होंगे, जा बजा फितने, और इतनी कसरत से जाहिर होंगे कि इंसान का अपना ईमान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज हमारा समाज, हमारा मुआशरा मुख्तलिफ फितनों के चपेट में है और इसी तरीके से उसके चंगुल में फंसा हुआ है। मुख्तलिफ तरीके से फितने हमारे समाज के अंदर है, शिर्क का फितना है, बिदात का फितना है, इसी तरीके से सूदखोरी का फितना है और जिनाकारी का फितना है। ये सारी की सारी बुराइयां जितनी हैं ये सब फितने हैं जो हमारे समाज के अंदर जाहिर हो रही हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशींगोई साबित हो रही है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वयक्तुर अल-हर्ज, और कत्लो खुरेजी आम हो जाएगी, उसकी कसरत हो जाएगी। आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से कत्लो खुरेजी मची हुई है। एक शख्स दूसरे शख्स के खून का प्यासा नजर आ रहा है और उसके बाद में फिर ऐसा लगता है कि खा जाएगा, एक गांव एक बस्ती दूसरी बस्ती को खा जाएगी, एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोग खा जाएंगे, उनको निगल जाएंगे, इस तरीके से हालात पैदा हो गए। और उसके बाद में फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माल की कसरत हो जाएगी, माल की कसरत हो जाएगी कि उसको कोई लेने वाला नहीं होगा। यह हदीस जो मैंने आपके सामने बुखारी के हवाले से पढ़ी है, ये चंद यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामतें क़यामत की बतलाई हैं और ये सारी अलामतें हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हो रही हैं, जाहिर हो रही हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को बचाने की कोशिश करें और इसी तरीके से अपने आप को तौहीद के डगर पर, इस्लाम के डगर पर लाने की कोशिश करें और इस्लामी तालीमात से अपना रिश्ता मजबूत करें कि ताकि ये फितने हमें नुकसान ना पहुँचा सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जब तक इस दुनिया के अंदर रखे, इस्लाम में अंदर रखे, हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन वाखुर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।